सबसे बड़े मुगल चोर थे। अब मुगल का इतिहास नहीं पढ़ेगा भारत, राम का इतिहास पढ़ेगा, श्री कृष्ण का इतिहास पढ़ेगा। शाहजहां, औरंगजेब जितने पैदा हुए कौन मिटाया? अकबर, औरंगजेब, बाबर, दुनिया भर के चोर डकैत के बारे में हमें पढ़ाया, दुनिया भर के आतंकवादी के बारे में हमें पढ़ाया, जो लुटेरे हैं यही तो इतिहास। मुगलों और मूर्खों को समझाना असंभव है। यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब सब पता चलेगा ना। तो अकबर बाबर के बारे में 5वीं 6वीं से ही क्यों पता चल रहा था? बदलेंगे, बदल दिया। अब दिमाग से गुलामी निकाल दो, जातिवाद निकल जाएगा। हम यहाँ बोलते हैं ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद, ये बात। बाजीराव पेशवा कौन थे? ब्राह्मण थे, लेकिन भारत के इतिहास के सबसे बड़े योद्धा थे, तो ब्राह्मण भी भारत के योद्धा थे। ये चीज जब समतुल्य आएंगे तो क्या ब्राह्मण और क्षत्रिय समतुल्य नहीं आएंगे? मोहम्मद गौरी को हमें इतना महान बताया था, मोहम्मद गौरी को जितना कायातर से पूरे परिवार में सेंध मार के, मोहम्मद गौरी और जयचंद ये जब तक दोनों एक साथ थे 17 बार मोहम्मद गौरी को धूल चटाई थी। पर हमारे पृथ्वीराज सिंह शाहजहां, औरंगजेब जितने पैदा हुए कौन मिटाया? मिटाया कौन? कोई जवाब दे है किसी के अंदर? कौन मिटाया? उसका कोई जवाब दे दे, जल्दी बता दो, तुम ही बता दो। मैं क्या बताऊंगा, अभी लोग खुद अब मुंह काला हो रहा है तो बताए, ये लोग बताए मुंह काला क्यों हो रहा है भाई, क्यों मुंह काला हो रहा है ये बताओ। अकबर, औरंगजेब, बाबर, दुनिया भर के चोर डकैत के बारे में हमें पढ़ाया, दुनिया भर के आतंकवादी के बारे में हमें पढ़ाया। आसाम के अहोम थे, इतना बड़ा उनका राज्य था, इतनी 16-17 बार उन्होंने मुगल को हराया, उसके बारे में किसी को पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, किसी को नहीं पता होगा उनके बारे में। सिर्फ वही दिमाग में वही चोर साले डकैत गोबर भर दिया हमारे दिमाग में, कहाँ? तो वही तो अब चलेगा, सब पता चल जाएगा भाई। मैं वही बोल रहा हूँ, छठी की किताब में नहीं होगा। यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब सब पता चलेगा ना। तो अकबर बाबर के बारे में 5वीं 6वीं से क्यों पता चल रहा था? 5वीं 6वीं से क्यों पता चल रहा था? इतिहास में मुगलों को महान काम बताया गया है, सिवाय अकबर को छोड़ के बताओ। कम से कम आप बोलो ना, मुगलों को महान बताया गया, मुगलों को महान काम बताया गया। एम्परर मतलब क्या होता है अब बताओ? कमाल की बात कर रहे हो तुम, मतलब शिवाजी को तो कहीं एम्परर नहीं बताया। अकबर एक महान शासक, किसने इनवाइट किया था? जयचंद जैसे लोगों ने किया था, आप जैसे लोगों ने जो डिफेंड करते हो, तो वो आपको जानने की जरूरत है। क्यों आपने इनवाइट किया बताओ? क्यों इनवाइट? नहीं जानता, नहीं पढ़ाया तो फिर खत्म। तो वही बदलेंगे। अब जो भी जयचंद छुपे थे अब सब बाहर आएंगे। ये तो बताया गया है, ये तो वही आई क्या? हाँ, तो यही तो इतिहास, जो लुटेरे हैं यही तो इतिहास। शर्म आनी चाहिए आपको, देख रहे हैं हम लुटेरे के बारे में, जाइए यही तो इतिहास। मैं बोल रहा हूँ, क्या हम लोग को जानने का हक नहीं कि मुगलों ने हिंदुस्तान, मेरी बात सुनो, गुरुद्वारे में जाकर देखो वहाँ के। मुगलों और मूर्खों को समझाना असंभव है। मुगल चले गए, मूर्ख रह गए। मुगल कैसे जानते आप? अगर इतिहास में नहीं लिखा होता कि वो लुटेरे थे तो कैसे आप जानते? आप नहीं जानते हैं लुटेरे थे, पूरा हिंदुस्तान जानता, पूरा वर्ल्ड जानता है भैया। चिल्लाने सच नहीं बदल जाता। अगर मेरी बात बताओ, अगर इतिहास में नहीं, इतिहास में सिवाय अकबर को छोड़ के किस मुगल के बारे में बहुत महान बताया गया है? एक बात, सम्राट के बारे में मुगल महान नहीं था भैया, वो लुटेरे चोर थे। आज आप जान रहे हो कि अगर मुगल चोर थे, मुगल जो भी थे, हमें बताया जा रहा है कि हमारे ऊपर किसने गलत किया था, हमें आज पता चला है ना, इतिहास से ही पता चला है ना। नहीं इतिहास में होता कैसे पता? महाराणा प्रताप के बारे में इतिहास में देश की आजादी सर, सर गुलामी गलत पढ़ाया गया है, सिलेबस ही सर। गुलामी तो अंग्रेजों ने भी करी थी, तो अंग्रेजों के जो चैप्टर है वो तो यू के यू ही है सिलेबस में। अंग्रेजों भी लुटेरे थे और उनका भी चैप्टर हटाना, सिर्फ मुगल्स के बारे में हटा के क्या कुछ साबित करना चाहते हैं? देखिए उस पर सरकार काम कर रही है, उस पर उसको भी हटाएगी, आज नहीं तो कल हटाएगी उसको भी।
मैं बोल रहा हूँ अगर मुगल का हटाया जाए चैप्टर, हटा तो कोई दिक्कत, कम से कम अगर हटाने की बजाय अगर कुछ नया जोड़ दिया जाए, अगर आप जैसे बोल रहे हो कि महाराणा प्रताप बाकी सबका सबका जोड़ है, सबके बारे में जानना चाहिए ना हमें। बीबीए का नहीं हुए वो सब अंग्रेज अपने बीबीए का नहीं हुए, 70 साल जो राज चला के अभी आ रहे हैं अभी, और वो लोग अपने बीबी के हुए हैं, गुलामी बना कर रखते थे अपने बीबी को, आयस करते थे दूसरे के पास। देखिए एक चीज, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी बात, इतिहास सबसे पहले जो इतिहास है उसके बारे में हम कहते हैं कि इति माने बीती और हास माने कहानी, बीती हुई कहानी को हम इतिहास कहते हैं। भले हम माने अभी बोले कि बाबर नहीं था अकबर नहीं था, लेकिन इतिहास तो है और उसको कोई भी अरे भाई 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 वही तो सर, अगर वो चीज वो चैप्टर्स देखिए क्या क्या वो इतिहास है, वही घटनाएं इतिहास में बताई गई हैं, वही घटनाएं इतिहास में बताई गई हैं। अगर वो घटनाएं नहीं जो मेरी बात सुन, पढ़ा लिखा है, मेरी बात पढ़ा लिखा है, इंसान है, इंसान है, इंसान है, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है? मैं तो भारतीय हूँ, भारतीय हूँ, सनातनी हूँ, सनातनी, भारतीय हूँ, सनातनी, हिंदू है, पहले इंसान हो, पहले इंसान हो, कोई भी बात जो है। मैं कहता हूँ मुगल चोर थे, सुन नहीं पढ़ना मैं मुगल इतिहास, मैं कह रहा मुगल नहीं पढ़ेंगे, चोर तो सार ही है, चोर थे, सबसे बड़े मुगल चोर थे, अब मुगल का इतिहास नहीं पढ़ेगा भारत, राम का इतिहास पढ़ेगा, श्री कृष्ण का इतिहास पढ़ेगा, महाभारत पढ़ेगा, अरे करके दिखाएंगे, करके दिखाओ, दिखाएंगे, करके दिखाओ, दिखा दिए, दिखा दिए। अरे भाई मैडम, मैडम तीर चला, तीर चला, धमाल सुनिए, अरे भगवतों ने देखा बड़े बड़े धमाल सुनिए, छोड़ो, एक कहावत है, एक कहावत है, एक कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, कड़वा भी होता है, रुकिए, सब्र का फल मीठा होता है। हमारा बनारस का जो मंदिर था ज्ञानवापी, नाम हिंदू का ज्ञान है, पहले जान लीजिए, अगर और सुनिए, मंदिर बना लो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर गुंबज ताने, गुंबज ताने, इसलिए बुलाता है, इसलिए इसलिए बुलाता है कि समय के अनुसार सब सुधर जाएगा। आज मेरा हो गया, आज मेरा हो गया ना, अब कहाँ गए मुगल लोग, कहाँ गए वो सब अंग्रेज, अंग्रेज कहाँ गए? इतिहास के पन्ना पर लिखा गया है कि सनातनी धर्म है, जो है मेरा वो मेरा होगा, सब्र का फल मीठा होता है। बूढ़े लोग पुराने लोग घर के माता पिता बोलते हैं कि धीरज रखो, धीरज रखो, आज धीरज था मेरे ऊपर, मेरा मंदिर वापस आ गया, कहाँ गए अंग्रेज, कहाँ गए, अपनी अम्मा के पास चले गए क्या, कहाँ है, जवाब दे उसका, वो लोग भाग गए। सर आप बताइए कि अभी जो योगी सरकार ने जो अभी एक सिलेबस में चेंजेस करे हैं कि मुगल जो मुगल्स के बारे में जो उनका इतिहास है वो हटा दिया गया, वो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि उनका जो ये डिसीजन है ठीक है या नहीं? उनका डिसीजन सही है। क्यों सर? क्योंकि मुगलों का इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा था, जो हिस्ट्री थी वो जो देश भारत में आज़ादी के लिए, इतिहास को गलत कैसे साबित कर सकते, इतिहास तो इतिहास होता है ना, जो हुआ है वही तो पढ़ाया जाएगा। नहीं वो नहीं पढ़ाया गया, जो एक्चुअली हुआ था ना उनको कुछ चीज़ें छुप गई थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस है उनके बारे में, सावरकर है, उनका इतिहास आज तक पढ़ाया नहीं गया था, तो उनके लिए अच्छा हुआ योगी सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो रियल राइट है, जो सीबीएसई के साथ रहेगा।